क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है, दो रोड है, टू रोड है, जिसकी एक लेंथ है एल और एक की लेंथ है टू एल, और इनका कोफिशियंट दे रखा है एल वाले का, जिसको मेंशन करा है अपने रोड ए एंड रोड बी, ए का लीनियर कोफिशियंट है एल्फा एंड बी का है टू एल्फा, कनेक्ट करने पर ये रोड की लेंथ थ्री एल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें कह रहा है जब इन रोडों को ऐड कर दिया गया, कंपोजिशन कर दिया, तो एवरेज कोफिशियंट क्या होगा। तो एवरेज कोफिशियंट के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए अपन को लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा एल, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ एंड एल लेंथ ऑफ द रॉड, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। उसके अकॉर्डिंग अपन रॉड ए के लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए के लिए हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना एल डेल्टा एल, लेंथ एल है और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, तो इससे चेंज इन लेंथ हमारा आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी। अब यही चीज रॉड बी के लिए बात करें अपन, यही कॉन्सेप्ट बी के लगाएं, तो रॉड बी में लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है टू एल, लेंथ है अपने पास चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू, और उसकी लेंथ कंपोजिशन में टू एल एंड डेल्टा टी, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो चेंज इन लेंथ हमारे पास ये आई। अब हम बात कर रहे हैं फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन के लिए एवरेज हमें निकालना है, तो दोनों लेंथ का अपन सम कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला में लेंथ है ऊपर, चेंज का नीचे लेंथ टोटल कितनी है, और चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए भी। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ से दोनों को हमने ऐड करा वैल्यू को तो हमारा रिजल्ट आया ये, और नीचे जो लेंथ L1 और L2 की बात करेंगे तो L1 और L2 ये 3L हो जाएगा हमारा, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी रहेगा। जब हमने इसको सॉल्व करा L से कट गया डेल्टा टी, हमारे पास ऑप्शन में आया 5/3 अल्फा, ये ऑप्शन 3 में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायग्राम दिया हुआ है हमें टेम्परेचर और टाइम के बीच में। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम कांस्टेंट रेट से हीट देते हैं ऑब्जेक्ट को सॉलिड स्टेट में है, तो जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी स्पेसिफिक हीट को डिटरमाइन करना है अपन को, फाइंड आउट करना है जब वो लिक्विड स्टेट में, और गिवन पैरामीटर उसमें दिए हैं ऑब्जेक्ट का मास, मास दिया है 0.2 केजी, मतलब 200 ग्राम दिया था हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया तो 0.2 हो गया, और हीट सप्लाई एट कांस्टेंट रेट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 किलोवाट, किलोवाट को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे जूल पर सेकंड में तो वो 10^3 जूल पर सेकंड आ जाएगा। अब हमें हीट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जो हीट दे रहा है कांस्टेंट रेट से वो है 10^3 जूल पर सेकंड, हीट का फॉर्मूला है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, मास गिवन है वो वैल्यू पुट कर दिया अपन ने 0.2, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है हमें, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहूँ तो यहाँ से और यहाँ तक यही तो है लिक्विड फॉर्म में, तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आएगी, 800 - 300 माइनस करा 500, ये आ गया हमारा 500। इस समय टाइम ड्यूरेशन जो आया रेट इन अपने लिख रखा है कॉन्स्टेंट रेट से रखा है, तो कॉन्स्टेंट रेट यही आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक अपने हीट को सप्लाई करा है, उस समय जो टाइम कांस्टेंट रेट के फॉर्म में आया 600 - 1200 ये वैल्यू आई 400, ये 400 लिख दिया अपन ने। अब हमें निकालना है S, तो S को हमको कैलकुलेट करेंगे, ये पैरामीटर को नीचे ले आए, जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0.2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करा इसको तो आया हमारा 4000 जूल पर के जी पर केल्विन, ये हमारा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें भी, और इस डायग्राम में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक्स वाई जेड में सबसे कूलेस्ट पॉइंट कौन सा होगा और सबसे हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सबसे ठंडा कौन सा होगा, सबसे गर्म कौन सा होगा, ये पूछा है। अब ये डायग्राम है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और यह यूनिट भी दे रखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर है 10^5 और यह मीटर क्यूब में है 10^-4, इसका विशेष ध्यान रखना है अपन को। अब हमने आइडल गैस इक्वेशन पढ़ रखी है, सभी जानते हैं PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, तो यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर को निकालूं तो PV अपॉन R हो जाएगा, R एक कांस्टेंट है, तो हमारी जो वैल्यू डिपेंड करेगी टेम्परेचर की वो प्रेशर और वॉल्यूम पे करेगी।
अगर मैं एक्स पॉइंट के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई निकालूं तो क्या डाटा आएगा? तो प्रेशर एक्स पॉइंट पे प्रेशर है 4 × 10⁵, एंड एक्स पॉइंट पे वॉल्यूम की बात करें तो 1 × 10⁻⁴। दोनों को मल्टीप्लाई करा, आया 40 Nm। अब यही केस अपने वाई पॉइंट के निकाला, वाई पे प्रेशर है 1 × 10⁵ एंड वॉल्यूम है 5 × 10⁻⁴। इसका रिजल्ट निकाला, 50 Nm आया। थर्ड रिजल्ट निकाले जेड पॉइंट पे, अपन देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। तो इस पे प्रेशर देखा 1 × 10⁵ एंड वॉल्यूम दे रखा 1 × 10⁴, मल्टीप्लाई करा, हमारा रिजल्ट आया 10 Nm। अब इन तीन पैरामीटर में से शायद डिसाइड हो गया होगा सबसे लो पॉइंट यानी 10, और सबसे हॉट पॉइंट की बात करें तो 50। तो पॉइंट जेड इज शो कूलेस्ट एंड पॉइंट वाई इज शो हॉटेस्ट, और ये ऑप्शन 4 में दिया है, इसके लिए इसका आंसर जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 1 मोल मोनोटोमिक गैस एंड 1 मोल डायएटोमिक गैस, इनको मिलाया जाता है, एक मिक्सचर तैयार कर किया जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेस हीट क्या होगी, यानी हमें सीवी को डिटरमाइन करना है। और शायद आप जानते हैं सीवी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है F/2R होता है, हमें सीवी को डिटरमाइन करना है, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लगाऊं, विदाउट फॉर्मूले से करना चाहूं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, तो शायद बहुत इजी के तरीके से कर सकते हैं अपन। 1 मोल का मोनोटोमिक गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है F/2RT, F मोनोटोमिक गैस के लिए 3 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी 3/2RT। एंड 1 मोल डायटोमिक गैस के लिए बात करें अपन, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो F डायटोमिक के लिए F की वैल्यू शायद हम जानते हैं 5 होती है, तो हो जाएगा F/2RT। अगर इन दोनों को ऐड करा तो मिक्सचर की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ऐड होती है, तो ऐड हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करा तो 8/2RT, ये 8/2RT आई कितने मोल के लिए, तो एक 2 मोल के लिए आई हमारे पास, 2 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी आई 8/2RT। तो 1 मोल के लिए अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 1 मोल के लिए 8/4RT, शायद ये वैल्यू 2RT हो जाएगी, शायद एग्जैक्ट यही होगी। अब हम सब जानते हैं फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, इतेर से यूज कर रहे थे F/2RT, इसमें F/2R ही तो सीवी को शो कर रहे हैं, तो अभी लिखा था मैंने सीवी इक्वल टू F/2R, यानी इस पैरामीटर में जो टी से मल्टीप्लाई होगा वही तो सीवी को शो करेगा। तो यहां टी से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2R है, यानी ये 2R ही सीवी है, तो सीवी इक्वल टू 2R। विदाउट फॉर्मूले के हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, और ये 2R ऑप्शन 3 में दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन जाना चाहिए 3।